नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक 811 अकाउंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कोटक 811 का डिजिटल सेविंग अकाउंट हम ओपन करने जाते हैं तो मेरा कोटक 811 वॉलेट अकाउंट ओपन हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, क्या है प्रोसेस और ऐसा क्यों होता है। दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम लाइव करके आपको नहीं दिखाएंगे कि कैसे कोटक 811 का डिजिटल सेविंग अकाउंट आप ओपन कर सकती हैं, क्योंकि मैंने पहले ही ओपन कर रखा है और इससे पहले ही वीडियो डाल रखा है। और आप लोगों को पता होगा कि एक आधार कार्ड से एक ही बार हम ओपन कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके मेरे घर में 2-3 आधार कार्ड था, तो मैंने 2-3 आधार कार्ड से अकाउंट को पहले ही ओपन कर लिया था और आप लोगों को वीडियो भी दे रखा था। तो यहाँ पर उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, जिसमें आप जो है क्लिक करके फुल प्रोसेस को जान सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करने के बाद पता ये चला है कि अगर आपके एरिया में जो एड्रेस डालकर आप अकाउंट को ओपन करती हैं, उस एरिया में जो है कोटक बैंक का कोई अगर ब्रांच नहीं है, तो आपका अकाउंट जो है डिजिटल सेविंग अकाउंट में ओपन नहीं होगा बल्कि वॉलेट अकाउंट में ओपन होगा। हालांकि वॉलेट में भी आपको एक अकाउंट नंबर मिलेगा, एक वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा, लेकिन वह वर्चुअल कार्ड जो है वॉलेट का रहेगा, सेविंग अकाउंट का नहीं रहेगा। वहां पर लिखा हुआ भी नीचे में आप लोग देख सकोगे कि वहां पर लिखा जाता है कि फुल KYC जैसे ही कंप्लीट करोगे और आपका यह अकाउंट सेविंग अकाउंट में बदला जाएगा, तो उसके बाद आपका वर्चुअल कार्ड नंबर यहां पर चेंज कर दिया जाएगा। तो जब वॉलेट अकाउंट क्रिएट होता है, उसके बाद आप उसी वॉलेट अकाउंट को फुल KYC करवा के सेविंग अकाउंट में बदल सकते हैं। क्या वजह है जो सेविंग अकाउंट में डायरेक्टली ये ओपन नहीं होता है? तो यहां पर सबसे पहला वजह जो कस्टमर केयर ने बताया वो यही है। दूसरा नंबर वजह मैं आपको बता दूं कि जिस आधार नंबर से आप जो है कोटक 811 का डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, उस आधार नंबर में सुनिश्चित हो ले कि कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। अगर आप उसी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड जो आधार कार्ड में है उसी से कोटक 811 का अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो श्योर आपका कोटक 811 डिजिटल सेविंग अकाउंट में ओपन हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर जो कोटक 811 अकाउंट ओपन कर रहे हैं वह लिंक नहीं है किसी आधार कार्ड से, जो आधार कार्ड नंबर आप दे रहे हैं उससे लिंक नहीं है, तो आपका कोटक 811 का वॉलेट अकाउंट ओपन होगा। अब दोस्तों यहां पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो उसमें जो है आप अपना पैन कार्ड जरूर दीजिएगा। पैन कार्ड दीजिएगा तो सियोर जो है आपका कोटक 811 का डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। और जहाँ तक फुल KYC का बात है, तो फुल KYC जो है घर बैठे डोर स्टेप से हो जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इनका जो एजेंट है जो फील्ड वर्क करते हैं ना, वो आपके घर पे आके KYC करके जाती हैं। सिर्फ आपको रिक्वेस्ट डालना होता है या फिर कॉल करना होता है, कॉल करके अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करवाना होता है, और उसके बाद जो है इनका जो एजेंट है जो फील्ड वर्क करते हैं वो आपके पास आते हैं और कोटक 811 का फुल KYC कम्प्लीट करके चले जाते हैं। तो अगर आप कोटक 811 अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान दीजिए। कोटक 811 का जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसमें कोई भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है और 6% तक आपको ब्याज मिल जाता है, जो कि नॉर्मली यहां पर लिखा हुआ भी देख सकती हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यह जीरो बैलेंस अकाउंट है और यहाँ पर कोटक 811 का जब डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन हो जाता है, तो इंस्टेंटली जो है आप लोग UPI के साथ लिंक कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन में। किसी भी एप्लीकेशन जो UPI एप्लीकेशन होगा उसमें आप लिंक कर सकते हो बहुत ही आसानी से, और ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो जो कि लिमिटेड KYC में महीने का 10,000 रुपए, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो इस छोटे से वीडियो में हमने आपको अपडेट दे दिया है कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो सबसे पहले ये देखो कि आपका जो एड्रेस है उससे कितना डिस्टेंस में है कोटक बैंक का ब्रांच। दूसरा नंबर में ये देखो कि आधार कार्ड में जो लिंक मोबाइल नंबर है ना, उसी मोबाइल नंबर से आप कोटक 811 अकाउंट ओपन कर रहे हैं या फिर नहीं। और तीसरा नंबर में अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना वहां पर ना भूले। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की वीडियो और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि कोटक 811 का अकाउंट ओपन करने में क्या क्या प्रक्रिया करना होता है, कहां कहां क्या कुछ डालना होता है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।